उज्जैन में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के कई मामले अब तक सामने आए हैं, लेकिन इस बार मामला सामने आया है जिसमें प्यार में पागल सिरफिरे आशिक ने प्यार नहीं करने पर 10वीं की छात्रा के हाथ पर ब्लेड से कई वार किए। युवती ने परिजनों से इस घटना को छुपाया था, लेकिन बड़े ही फिल्मी तरीके से ये मामला उजागर हुआ। देखिए इस रिपोर्ट में। प्यार में लोग जीने मरने की कसम खाते हैं, लेकिन वही प्यार अगर नफरत में बदल जाए तो इंसान जान का दुश्मन बन जाता है। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है उज्जैन से, जहां आज युवती की मां ने नहाते समय युवती के हाथ पर कट देखे, जिसके बाद माता पिता युवती को महिला थाने लेकर पहुंचे। महिला थाना पुलिस ने पॉस्को एक्ट सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। छात्रा के साथ प्रेम संबंध बनाने को लेकर अनुराग ने कई प्रयास किए। अनुराग और उसका दोस्त स्कूल जाते वक्त छात्रा को परेशान करने लगे। छात्रा के मना करने पर अनुराग हिंसा पर उतर आया, अपने प्यार को पाने के लिए छात्रा के हाथ पर ब्लेड से वार किए। इस हादसे के कारण छात्रा इतनी डर गई कि उसने डर के कारण घर वालों को इस बारे में नहीं बताया, लेकिन नहाने के दौरान युवती की मां ने हाथों पर कट के निशान देखे, जिसके बाद छात्रा ने पूरी घटना अपनी मां को बताई। परिजन ने शुक्रवार को महिला थाने पहुंचकर मामले में केस दर्ज कराया। यहां पुलिस ने पॉस्को एक्ट सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। एक लड़की नहाने गई, जब मैंने इसका हाथ देखा तो इसने बताया कि मम्मी मेरे को ऐसी बुलेट मारी है इसने, और ये ऐसे ऐसे परेशान करता है मेरे को, और इसने मेरे को बताया नहीं बच्ची ने, और मैंने देखा जब मैं इसको थाने लेके आई। क्या बताया इसने? कि मेरे को ऐसी बुलेट मारी मम्मी, मेरे को ऐसा डराया धमकाया कि मैं तेरे को मम्मी को पापा को बताया कि तेरे को छुरा मार दूंगा और उठा के ले जाऊँगा, तेरा बलात्कार कर दूँगा। ये प्रेम यादव, ये प्रेम सोलंकी, और क्या पता वो बच्चे उन कौन है और इसके पास है। मैं ना स्कूल से आ रही थी, इधर से मैं गई थी ना, जब एक अनुराग नाम का लड़का और एक प्रेम नाम का लड़का था, तो उसने मेरे हाथ प्लेट मार दी, बोला आई लव यू, मैं कब से शादी करना मेरी जान, और बहुत दिन काफ़ी टाइम से परेशान कर रहा हूँ, छः महीने हो गए, एंड उसके थ्रू बहुत सारे लड़कों को उसने नंबर भी बांट दिया, और पता नहीं अलग अलग लड़कों को रोज़ लेके आता था बाइक से, एंड मेरा जाना आना सब कुछ बंद करवा दिया, बाहर भी नहीं निकल पाती हूँ। ये नाना खेड़ा के बाईपास के महाकाल मंदिर के उधर से मैं आ रही थी, नाना खेड़ा के उधर, तो बाईपास से अपन पुल उतर के आते, जब वहाँ पर था, जब साइकिल स्लिप होती है वो चौराहे के आगे। क्रिमिनल टाइप के हैं सर ये लड़के, बोलते हैं कि हमारा क्या है, हम तो जेल भी चले जाएंगे, लेकिन जेल से आके फिर तेरे को ले जाएंगे, ऐसा कुछ भी होता है, शादी किसी से नहीं होने देंगे, जिससे शादी करेगी उसको मार देंगे और फिर उठा के ले जाएंगे, ऐसा ये ऐसा मारा है। हाँ, एक कॉलोनी की रहने वाली एक बच्ची है, 10th क्लास में पढ़ती है, उसके द्वारा बताया गया कि एक साल पहले उसके घर के सामने ही एक परिवार रहता था, तो फिर उसके बाद में उस स्थान से वो लोग दूसरी जगह चेंज कर लिए, लेकिन वो लड़का उसको तब से परेशान कर रहा था। अभी लगभग 6 महीने पहले जब वो स्कूल वगैरह जाती थी तो रास्ते पे मिल जाता और उसके साथ में छेड़छाड़ करता कि और दोस्ती करने के लिए उसको प्रेशराइज कर रहा था। फिर लड़की ने यह बात किसी को बताई नहीं। फिर अभी 24 सितंबर को वो जा रही थी, साइकिल से जा रही थी ट्यूशन वगैरह, तो फिर वो लड़का अपने दोस्त के साथ में आया और उसके हाथ में ब्लेड से कट मार दिया, तो कई जगह से कटा हुआ है उसका हाथ। फिर तब भी लड़की ने घर जाकर किसी को बताया भी नहीं, वहाँ पे चिल्लाया भी नहीं, और फिर फुलस्तीन के कपड़े पहनती थी। फिर उसके घर वालों ने वो निशान वगैरह देख लिया आज, तो फिर उससे पूछताछ किए, तब उसने फिर बताई ये सब चीज़, तो आके फिर हमारे यहाँ पे प्रकरण पंजीबद्ध कराया। फिलहाल आरोपी फरार है जिसकी तलाश जारी है। उज्जैन से मृदुभाषी के लिए अमृत बैंडवाल की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।